कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 डेंगू के नए मामले सामने आने के साथ ही नई सीजन में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 91 तक पहुंच गया है। डेंगू सहित मौसमी बीमारियों को देखते हुए संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में एयर कंडीशनल वार्ड तैयार किया गया है। अस्पताल परिसर के अंतिम छोर पर स्थित सेकेंड फ्लोर पर तैयार किए गए इस एयर कंडीशनर वार्ड में 50 बेड लगवाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की 750 से अधिक टीमों द्वारा प्रतिदिन 12,000 घरों का सर्वे कर लोगों को जागरूक करने में जुटी है। अभियान में मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की गई। टीमों ने घरों के कंटेनरों जैसे पानी की टंकियां, कूलर, ड्रम, परिंडे, गमले, फ्रिज की ट्रे और छतों पर रखे पानी जमा हो सकने वाले टायर, कबाड़ आदि की जांच की जा रही है। वहीं लार्वा मिलने पर मकान मालिकों को मौके पर नोटिस देकर आगाह किया जा रहा है। कल साहब के अभी मीटिंग हुई है, जैसे ऊपर से जो दिशा निर्देश आते हैं तो हमने पूरी कंप्लीट तैयारी कर रखी है। आप खुद भी देख के आए होंगे, हमने डेंगू या जो भी मौसमी बीमारियाँ होती है तो पेशेंटों की जो ज़्यादा आवक हो जाती है तो हम उनको भर्ती करने की हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था, और जो हमारा प्रीपेड वार्ड 52 बेड का हमने चालू कर ही दिया और मच्छरदानी वगैरह सब लगा दिया। तो अभी ऐसी कोई समस्या तो है नहीं। एडमिशन की लेके जांचों से संबंधित हमारे पास किटें पर्याप्त और अवेलेबल भी करवा दें।